आज हम पढ़ेंगे फिल्टर, ठीक है। हमने लास्ट सेशन में सॉर्टिंग कर लिया था, अब हम फिल्टर देखेंगे, ठीक है। फिल्टर क्या होता है? इसमें टू टाइप्स के फिल्टर हैं आपके एक्सेल में, एक है ऑटो फिल्टर और एक है एडवांस फिल्टर। ऑटो फिल्टर की जगह फिल्टर लिखा मिलेगा, वो ऑटो ही फिल्टर होता है बेसिकली, और एक होता है एडवांस। तो अभी मैं ऑटो फिल्टर की बात करती हूँ। ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा? ये ऑप्शन मिलेगा आपको होम टैब पे, आप देख सकते हो फिल्टर, ठीक है। इसको ऑटो फिल्टर ही बोलते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, वो आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑटो फिल्टर अप्लाई कैसे करेंगे या फिल्टर अप्लाई कैसे करेंगे, आप उसे किसी भी नेम से बोल सकते हो। उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, ठीक है। उस टेबल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये टेबल आप देख पा रहे होगे, आपको ऐसे ही रैंडमली कोई भी एक टेबल बनानी है। इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फिल्टर ऑप्शन पे, ठीक है। हम किस पे क्लिक करेंगे? फिल्टर ऑप्शन पे। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें देख सकते हो यहाँ पे एक फिल्टर लगा आ गया, ठीक है। फिल्टर लगा हुआ आ गया, यानी कि ये देख सकते हो ऐसे एरो आ रहा है, इस पे ऐसे क्लिक कर पा रहे हैं। अब हटा दो आप सिलेक्शन चाहें, ये देख सकते हो, यानी कि इस पे फिल्टर अप्लाई हो गया। अब इसमें भी, अभी तो ऑटो फिल्टर की ही बात हो रही है, इसमें भी दो चीज़ों में फिल्टर होता है। एक होता है नंबर फिल्टर, एक होता है टेक्स्ट फिल्टर, ठीक है। एक नंबर फिल्टर और एक टेक्स्ट फिल्टर। जैसे रोल नंबर पे मैंने क्लिक किया तो देखो कौन सा वर्क करेगा इस पे, नंबर फिल्टर। नंबर फिल्टर में कैसे अप्लाई होगा वो देखो, यहाँ पे कितने रोल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। हम इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल से हटा दूंगी मैं, और 3 पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप देख सकते हो जिसका रोल नंबर 3 है सिर्फ वो ही रिकॉर्ड व्यू हो रहा है, ठीक है। ये हो गया फिल्टर। मतलब फिल्टर क्या होता है बेसिकली, हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं चीज़ों को। तो हमने इतने बड़े डेटा में से सिर्फ 3 रोल नंबर को निकाल लिया। ये तो मैं 6 स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे कर रही हूँ, आप 200 100 कितने भी स्टूडेंट के रिकॉर्ड पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए छोटा डेटा ही अच्छे से आपको समझ आ पाएगा। अगर मुझे 3 और 5 दो चाहिए, तो मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो 3 और 5 दो आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो यहाँ से सिलेक्शन हो गया। आप देखो यहाँ पे नंबर फिल्टर पे जाओगे आप, तो देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। फर्स्ट है इक्वल्स, ठीक है। पहले मैं क्या करती हूँ, ये पहले से फिल्टर लगा हुआ है, इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे जाओ आप, अगर आपने ये फिल्टर से चेक कर लिया, तो अगर इसको क्लियर करना है तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम रोल नंबर। इसको मैंने क्लियर कर दिया तो पूरी टेबल आ गई। अब हम दूसरा फिल्टर लगाएंगे, रोल नंबर पर जाएंगे, नंबर फिल्टर पर जाएंगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ इक्वल्स। इक्वल्स का मतलब आपके पास सपोज 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आपको उसका रोल नंबर पता है, मैंने डाल दिया 3 या मैंने डाल दिया 5, तो क्या होगा, जिसका रोल नंबर 5 है वो रिकॉर्ड आ जाएगा। तो 5 रोल नंबर जिसका है, जैसे सुमित नेम है उसका, तो उसका डिटेल आ जाएगा। ये तो खाली इसकी दो ही डिटेल है, नेम ऑफ फीस, उसका एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल आ जाती है हमारे पास। ये बेनिफिट है फिल्टर का, ठीक है। तो नंबर फिल्टर में इक्वल्स तब लगाते हैं जब हमें एग्जैक्टली वो नंबर पता हो, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर फिल्टर में सेकंड वाला, डज नॉट इक्वल, मैंने लगा दिया 4। डज नॉट इक्वल का मतलब मुझे 4 को छोड़कर, जिसका रोल नंबर 4 है उसको छोड़ के बाकी सारे देखने हैं, ओके करूंगी, तो सिर्फ 4 रोल नंबर नहीं आ रहा। आप देख सकते हो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, बट 4 रोल नंबर नहीं आ रहा, यानी कि डज नॉट इक्वल, ठीक है। नंबर फिल्टर में जाएंगे फिर से, अगेन ग्रेटर देन, थर्ड वाला, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ दे दिया 3 और ओके कर दिया, तो क्या होगा, 3 से अबव रोल नंबर वाले, यानी कि 4 5 6, मेरे में 6 ही रिकॉर्ड है, तो 3 से अबव 4 5 6, तो वो आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर फिल्टर में आपने दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आपने 3 दिया तो 3 भी आएगा और 3 से अबव भी आएंगे, क्योंकि क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद आपने दिया लेस देन, इसमें भी सेम है, 4 दोगे तो 4 से कम वाले, मैंने क्या दिया, इज़ लेस देन 4, तो क्या आ जाएंगे, 4 से कम वाले, लाइक 1 2 3। सेम एज मैंने दिया लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने दिया 4, तो 4 भी आएगा, आप समझ गए ना, इसका लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है लेस देन, इनकी 4 से कम, इक्वल टू मतलब 4 भी आएगा। उसके नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन में क्या है, एक रेंज होती है, जैसे मैंने दी 2 से लेके 4 तक, तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और बीच के भी आएंगे, या जैसे सपोज मैंने 5 कर दिया तो 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और मिडिल वाले भी आएंगे, इसको बोलते हैं बिटवीन। ये किया तो आ गया 2 3 4 5।
यानी कि एक रेंज सेलेक्ट करनी हो तो आप बिटवीन यूज़ करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है टॉप टेन। देखो मेरे पास तो ओनली कितने रिकॉर्ड हैं, 4, तो मैं टॉप टेन नहीं करके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 3। टॉप 3 का मतलब समझ गए ना, 1, 2, 3 को स्मॉल मानेगा, 4, 5, 6 नंबर बड़ा है इसलिए उसे टॉप से कंसीडर करेगा। अगर सेम चीज़ में यही अप्लाई करूँ, बॉटम, इसमें बॉटम नहीं है, एवव एवरेज। एवव एवरेज का मतलब जो वह एवरेज लेगा उससे ऊपर। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, दोबारा दिखा देती हूँ आपको। एवव एवरेज वाला, एवव एवरेज पे क्लिक करोगे तो एवरेज नंबर उसने 3 माना है उससे ऊपर वाले आ जाएंगे सारे। सेम एज आपने किया बिलो एवरेज तो उसका मतलब 3, 4 को उसने माना और लगभग उससे कम वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से ये अप्लाई होगा। उसमें एक और ऑप्शन आता है लास्ट में, कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर वो फिल्टर है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे आपने यह कंडीशन दी ग्रेटर देन 4, 4 से ज़्यादा वाला, और आपने यहाँ पे दी सपोज लेस देन 6, ओके कर दिया। तो 4 से ग्रेटर क्या है 5, और 6 से लेस क्या है 5। तो इसको बोलते हैं कस्टम फिल्टर। कस्टम फिल्टर का मतलब होता है, देख सकते हो एक बार, और कस्टम फिल्टर में आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, अब मैंने रोल नंबर वाला आपको बता दिया, ये था नंबर फिल्टर। अब मैं यहाँ से क्लियर कर रही हूँ, क्लियर फिल्टर फ्रॉम रोल नंबर। ठीक है, अब देखो जो रोल नंबर पे लगाया है वही सेम आप फीस पे लगा सकते हो। फीस में भी कौन सा फिल्टर लगेगा, नंबर फिल्टर। अब मैं इसमें सारे बता नहीं रही, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपने दिया ग्रेटर देन यहाँ पे 8000, तो 8000 से ज़्यादा वाली फीस आ जाएगी, समझ गए। तो नंबर फिल्टर सेम है, अब ये मैंने उस पर लगाया था, यहाँ मैंने फीस पर बता दिया। तो नंबर फिल्टर में वो सारे ऑपरेशन अप्लाई होंगे, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, आप ये चीज़ फीस के लिए कर सकते हो जो मैंने रोल नंबर में समझाया। ठीक है, ये एक फिल्टर का टाइप है। अब दूसरा पढ़ते हैं टैक्स फिल्टर। अब टैक्स फिल्टर क्या है, वो नेम पे लगेगा। तो नेम पे क्लिक किया तो देखो ऑप्शन आ रहा टैक्स फिल्टर। पहला तो यही है, डायरेक्टली आप नेम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने किया अंकित, तो मेरे पास किसका रिकॉर्ड आएगा, खाली अंकित का, यानी कि मुझे किसी को नेम वाइज आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। उसके नेक्स्ट इसको यहाँ से अगर हटाना है तो उस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब टैक्स फिल्टर में जाओगे तो इसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट है इक्वल्स। अगर आपको किसी का नेम डायरेक्टली पता है, जैसे मैंने दिया सुमित, तो कौन सा रिकॉर्ड आ जाएगा, खाली सुमित वाला। उसके नेक्स्ट अगर मैंने बोला डज नॉट इक्वल, मैंने बोला सुमित, तो यानी कि सुमित वाला रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, मतलब सुमित को छोड़कर, ओके किया। तो देख सकते हो आप सुमित वाला रिकॉर्ड नहीं आ रहा, बाकी सारे आ रहे हैं, मतलब जिसका रोल नंबर 5 है। हालांकि यहाँ मैं रोल नंबर से सर्च नहीं कर रही हूँ, सिर्फ टैक्स से कर रही हूँ। नेक्स्ट इक्वल्स हो गया, डज नॉट इक्वल हो गया। अब देखो फ़ायदा क्या है, नेम याद होता तो हम डायरेक्टली सर्च कर ही लेते, बट बिगिन विद, मैंने लिखा किससे स्टार्ट है, मैंने दिया ए, मुझे नाम याद नहीं है स्टूडेंट का और मेरे पास 500 रिकॉर्ड है, तो मैंने ए डाल दिया। तो होगा क्या, लिस्ट जो हो जाएगी फिल्टर हो जाएगी, मतलब ए ए नाम वाले आ जाएंगे। सपोज यहाँ तो 2 ही हैं, 5 हों, 10 होंगे, तो ए में ढूंढना आसान हो जाएगा। जैसे हमें होता है किसी का नेम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा होता, बट ये याद है वो उसका नेम ए से स्टार्ट है। ठीक है, तो देखो ये कहाँ से करेंगे हम, बिगिन विद, एंड विद, हो सकता है हमें ये याद हो उसका नेम, जैसे मैंने दे दिया एन, एन से फिनिश हो, ओके। तो एन से फिनिश होने वाले नेम में क्या आ गया, अमन और नितिन, जिनका नेम एन से फिनिश है। उसके बाद कंटेन्स, कंटेन में मैंने दे दिया आई। कंटेन का मतलब है चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे एंड में हो, चाहे मिडिल में हो, या ए दे देती हूँ, चलो ए, ए देखो फोन नेम में आ गया। ठीक है, तो जो जो नेम ए कंटेन कर रहे हैं, बेसिकली मैंने ए दिया है ना, एक सेकेंड, हाँ ए दिया है, तो ए सब में आएगा ही आएगा। ठीक है, नेहा में भी आ रहा है, अमन में भी, अंकित में भी, राधिका में भी। तो कंटेन का मतलब चाहे किसी भी पोजीशन पर कंटेन करे। नेक्स्ट है डज नॉट कंटेन, मैंने दे दिया ए, देख सकते हो सुमित और नितिन, इसमें ए नहीं आ रहा, डज नॉट कंटेन, मतलब ये ए को कंटेन नहीं कर रहे। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टम फिल्टर, इसमें भी सेम है, आपने यहाँ लिख दिया डज नॉट कंटेन ए, और यहाँ लिख सकते हो नेक्स्ट में जाके कंटेन्स आई, एग्जाम्पल, जो ए ना कंटेन करे बट आई करे, ओके। तो ऐसे दो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो कस्टम फिल्टर जिसमें हम खुद से बना सकते हैं।
आप ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो, अपने नेम में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, अब दो फिल्टर एक साथ लगाने हैं। अब रोल नंबर पे गए आप, रोल नंबर में आपने 5 सेलेक्ट कर लिया, ओके, तो ये इस पर भी फिल्टर लग गया, इस पर भी, यानी कि जितने फील्ड्स पे फिल्टर लगा हुआ आप देख सकते हो, फीस पे नहीं लगा हुआ है तो उसमें नहीं आ रहा, नेम पे लगा हुआ, रोल नंबर पे लगा हुआ, इसको रिमूव करना है तो कर सकते हो क्लियर फिल्टर फ्रॉम रोल नंबर, देख सकते हो यहाँ से हम क्लियर कर देंगे, सेम एज यहाँ से भी हम क्लियर कर देंगे। तो ये तो था हमारा ऑटो फिल्टर जो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में एडवांस फिल्टर, ओके।